और अधिवक्ता कल्याण निधि के लिए 90 करोड़ का बजट। तो चैम्बर का क्या करेंगे? चैम्बर है तो चैम्बर से हमारा तकत बढ़िया, चैम्बर से का रोजगार मिल जाएगा। सीसीटीवी कैमरे लगाए 50 करोड़ से। आपको याद होगा वो थे एसपी गोविंद अग्रवाल कैमरे की नज़र में, वो कैमरे गए कहाँ? जिस फर्म ने वो कैमरे लगाए वो कैमरे कहाँ है? उस फर्म का कैमरों की रिपेयरिंग कहाँ होगी? भाई कैमरे लगे कहाँ? तो कैमरे तो हर साल लगते हैं। आप सोचिए कि बड़े बड़े विभागों पर बिजली का जो बकाया है, देखा अखबार में करोड़ों रुपए तो ब्लॉकों पर बकाया है, थानों में बकाया है पैसा, तो थानों के कितने कनेक्शन काटे सरकार ने? खाली गरीब तो जैसे इंसान टीवी लगाई तो उससे समझ सकते हैं। देश में खूब ऑफसाइड कर दी सरकार ने, बजट पेश किया है, कैसे देखते हैं आप और क्या कहेंगे इसमें? देखिए बजट में शहरों के लिए तो नगरीय निकाय के लिए किया ही नहीं है, जिसे सीवर लाइन पड़ना है, नालों की सफाई के लिए भी पर्याप्त बजट नहीं है और अधिकतर नाले अतिक्रमण से ग्रसित हैं, जिनके ऊपर सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही। पहले भी जो नगरीय निकायों को बजट दिया गया था वो पर्याप्त नहीं था, नगरों के सौंदर्यीकरण के लिए कोई बजट नहीं, नगरों में तमाम जो व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलनी चाहिए उसका कोई जिक्र नहीं है बजट में, इसलिए बजट तो आधा अधूरा है। यूपी सरकार का ये बजट फेल है हमारी तरफ। ने अपना बजट पेश कर दिया है, क्या कहेंगे आप? देखिए मैंने तो पूर्व में ही कहा था कि पूरा बजट सिर्फ आंकड़ों की बाजीगिरी है, युवा निराश है, गांव में भी निराशा है। बजट में कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है जो आंकड़ों से बाहर आपको जमीन पर दिखती हो। बजट जरूर ये उनका छठा है, छठे साल का है, लेकिन पिछले 5 सालों के बजट जैसा ही सिर्फ कागजों पर है, जो उन्होंने वादे किए। जैसे उन्होंने बता दिया कि गन्ने का भुगतान हमने इतना किया, लेकिन सरकार ने नहीं बताया कि गन्ने का कितना भुगतान बकाया है मिलों पर, और मिलों का किसानों का मिलों पर बाकी है, सरकार का मिलों का सरकार पर बाकी है। रोजगार के मामले में कह तो दिया बहुत रोजगार दिए, लेकिन आप जमीनी हकीकत देख रहे हो, युवा बेरोजगार है, अवसाद से ग्रसित होकर आत्महत्या करने पर मजबूर है। जो बेरोजगार युवा हैं उनके लिए सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की, कोरोना काल में जिनका काम छूटा उनके लिए प्रबंधन क्या है? ना ही मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने का कोई प्रावधान हुआ, ना श्रम को लेकर कोई व्यवस्था बनाई गई। सरकार का जितना भी है सिर्फ अपना राजस्व कैसे बढ़े, सरकार ने इस बात पर फोकस किया है। और जो आम जनता को राहत मिलनी चाहिए, भाई 2 साल स्कूल बंद रहे, अभिभावकों पर अधिक भार आया, उसकी क्या व्यवस्था हुई? उसके बाद जो कोटे पर राशन तेल चना और ये सब आ रहा था, इसका जो वादा किया था वो आप देख रहे हो जमीन पर क्या हकीकत है। लोग राशन कार्ड जमा करा के रिकवरी तक की नौबत आ गई। तो ये जो वादा खिलाफी है सरकार की, ये बजट में साफ परिलक्षित हो रही। बजट सिर्फ सरकार अपना राजस्व बढ़ा रही है और उसमें उत्तर प्रदेश की जनता के लिए कुछ भी नहीं है, सिवाय बंटवारे के, सिवाय बेरोजगारी के, जो बेरोजगारी बढ़ाने के, जो महिलाओं की सुरक्षा के प्रति आपने देखे कुछ जिलों में उन्होंने बता दिया कि हम सेंटर खोल देंगे, बाकी 75 जिलों में होने चाहिए ना महिलाओं के लिए स्पेशल बीट स्थित स्थल होने चाहिए, नहीं कहीं। तो ये सब चीज़ें, बजट जो है पूर्व की भांति बिल्कुल औपचारिक है, सरकार अपनी आमदनी बढ़ा रही, लोगों को गरीबों को परेशान करने लायक जो व्यवस्था है उसमें कोई भी राहत नहीं है।